दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सी एल रावत। मैं होम्योपैथी फिजिशियन हूं। दोस्तों, जो मेरा आज का टॉपिक है वो है कोरोना पे। जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं कि कोरोना इस बार फिर एक इंडिया में भी थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया है। मेरे ख्याल से आज 2 तारीख है तो 3600 केस इंडिया में भी फिर से एक बार सुनने में आ रहे हैं या देखने में समाचारों में दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले साल जो डेल्टा वायरस था कोरोना का, वो भी चाइना से ही निकला था। और इस बार का जो BF7.7 जो वायरस है, वो भी चाइना से ही फिर निकल रहा है। दोस्तों पहले चाइना की बात कर लेते हैं, फिर इंडिया की बात करते हैं। दोस्तों, चाइना में फिलहाल लास्ट वीक जो डेटा था वो बता रहे थे कि 5000 लोग पर डे एक्सपायर हो रहे थे, डेथ हो रही थी कोरोना की वजह से, कोरोना BF7.7 की वजह से। दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम यही थी कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक और हमारा जो चेस्ट है वही इन्वॉल्व हो रहा है इस डिसीज में। और मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं किसी को मिल रहा है इसमें रिकवरी करने के लिए। लेकिन इस हफ्ते का जो आज के जो डेटा आ रहा है वो लगभग 9000 लोग प्रतिदिन जो है कोरोना की वजह से डेथ हो रही है। दोस्तों, दूसरी चीज़ ये भी है, चाइना के आंकड़े कितने सही हैं कितने नहीं सही हैं ये जो है बहुत फैक्ट बताना मुश्किल है, क्योंकि चाइना अपने आंकड़े छुपाने में बहुत माहिर है। लेकिन फिर भी दोस्तों, कहीं ना कहीं चाइना में कोरोना ने बहुत हंगामा मचाया है। 248 मिलियन लोग चाइना में 20 दिसंबर तक इन्फेक्टेड हो गए थे। मेरे ख्याल से आज की डेट में और कहीं ज़्यादा होगा। और लगभग बताया जा रहा था दोस्तों, लगभग 20 तारीख तक 18% चाइना की आबादी जो है वो कोरोना BF.7 से इन्फेक्टेड हो गया। और लगभग बताया जा रहा था 37 मिलियन पीपल पर डे चाइना में इन्फेक्टेड हो रहे हैं। वो लास्ट वीक का ये मैं डाटा बता रहा हूँ, आज का डाटा नहीं बता रहा हूँ। दोस्तों, आज 2 दिसंबर है, मैं आज का डाटा नहीं, मुझे भी क्लियर है क्या है, लेकिन कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा है। दूसरी चीज़, अगर दूसरे देशों में भी कोरोना ने अपना ये जो नया वायरियंट है कोरोना का BF.7, इसने अपना दूसरे देशों में भी अपनी तरफ चल पड़ा। जैसे अमेरिका के पास ही आ गया है, जापान में दोस्तों काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। जापान में 400 प्लस डेथ कोरोना की वजह से पर डे अभी भी हो रही है। दोस्तों, एक देश और इसकी चपेट में आ चुका है, साउथ कोरिया में दोस्तों 68,000 केस पर डे, ये 24 दिसंबर का डेटा है कि 68,000 केस पर डे नए निकल रहे हैं कोरोना के, जबकि 200 प्लस लोग डेथ हो रहे हैं कोरोना की वजह से पूरे देश में, सिर्फ कोरोना की वजह से। तो दोस्तों, ये कोई बहुत बड़ा डेटा नहीं है। अभी चाइना की बात अगर आप हटा दें तो जापान में और साउथ कोरिया में ऐसी कोई खास कोरोना की लहर नहीं है। हाँ, ये दोस्तों ज़रूर है कि अगर उस लहर को कंट्रोल ना करें तो वो अनकंट्रोल जब लहर हो जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी दोस्तों। इसीलिए हमारे गवर्नमेंट अधिकारी इंडिया में भी जो है मॉक ड्रिल अभी हुई थी पिछले हफ्ते कि हमारी क्या तैयारियां हैं, ऑक्सीजन प्लांट क्या है, हमारे यहाँ कोरोना के कितने बेड्स तैयार हैं, कितने ICU बेड्स हैं, कितने वेंटिलेटर हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर क्या है, ये सब सारे वेरिफिकेशन हो रहा है। क्योंकि दोस्तों बहुत से लोग कह रहे हैं कि नहीं, कोरोना तो बस एक नॉर्मल है और कोरोना तो कुछ ध्यान नहीं है, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है। दोस्तों, डेटा कुछ भी हो, बढ़ा के बता रहे हैं घटा के बता रहे हैं, डेटा ये नहीं है। डेटा ये है कि चाइना में आज की डेट में त्राहिमान है और हम इससे पिछले साल जूझ चुके हैं। डेल्टा वायरस का कहर किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि लास्ट 2021 में अप्रैल में क्या सिचुएशन थी, ये सब इंडिया के लोग सभी जानते हैं, अमेरिका के लोग सभी जानते हैं। सबसे ज़्यादा अमेरिका में डेथ हुई थी, नंबर 2 पर इंडिया में। अब दोस्तों बात आती है कि अब कोरोना आ ही रहा है तो हमें सबको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, यही बात है, पहला जो हमारा उपाय होना चाहिए, जब कोरोना, अभी आपको कोई प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा भीड़ वाले इलाकों में मास्क लगाइए, अदरवाइज अकेले कमरे में, अकेले घर में है, अपने घर में है, अपने ऑफिस में, कोई मास्क की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आपका गेट टुगेदर का मामला है तो आप मास्क लगाइए, बिल्कुल भी पैनिक मत होइए, बिल्कुल भी। कोई मुझे लगता है कि अभी यहाँ इंडिया में 3600 केस का मतलब है ना के बराबर। हाँ, एहतियात बदलने की ज़रूरत है दोस्तों। जिन लोगों ने बूस्टर नहीं लगवाया वो लगवा सकते हैं, जिन लोगों ने नहीं लगवाना चाहते वो ना भी लगवाएं, कोई ऐसी बहुत ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज ऑफ बूस्टर, जिन लोगों ने जनवरी फरवरी में बूस्टर लगवाए हैं बहुत, मतलब या जब बूस्टर आया था तभी बूस्टर अगर लगवा लिए हैं तो उनका असर, अब बूस्टर का असर काफ़ी कम हो गया है। तो अब जो लोग बूस्टर अब लगवाएंगे उनका असर अगले 6 महीने तक 8 महीने तक ज़्यादा दूर रहेगा। क्योंकि दोस्तों, बूस्टर क्यों लगवाया जा रहा है, पहले कोरोना की 1 डोज लगी फिर 2 डोज लगी, इसका मतलब जो डोज लगी उनका असर कम हो रहा है, तभी अगले डोज को बूस्टर का नाम दे दिया है। वैक्सीन तो वही कोरोना वाली है वो। अब दोस्तों, दूसरी चीज़,
अब आप समझिए कि कोरोना आ रहा है तो हमें क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए। तो मैं जैसे मैंने बताया, आप पैनिक मत होइए। सबसे पहली बात, गैदरिंग पे जहाँ भीड़ है वहाँ पे अपना आप सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, थोड़ा मास्क लगाइए। और दोस्तों जैसे कि बात जाते हैं, कोरोना उन लोगों को ज़्यादा इन्फेक्टेड करता है। जैसे लास्ट टाइम दोस्तों पिछली दो बार कोरोना की लग रही है और मुझे तो बिल्कुल नहीं पता चला कि कोरोना क्या होता है। ना कोई सर्दी, ना कोई जुकाम, ना कोई बुखार, लेकिन सर्दी जुकाम बुखार होता है। मैंने कोरोना टेस्ट कराया भी था 2020 में, 21 में भी कराया, मेरा निगेटिव निकलता है बार बार। जो भी रीज़न है, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ और मैं पेशेंटिंग बहुत देखता हूँ कोरोना के केस में, तो आप जानते हैं हर डॉक्टर के बाहर, घर दुकान के बाहर तक भीड़ लग जाती है। तो दोस्तों अब आपको दो चीज़ें करनी है ट्रीटमेंट के तौर पर। पहली ट्रीटमेंट के तौर पर आप हर महीने में एक बार इन्फ्लुएंजा 1 mg की एक डोज ले लें। ये आपको, ये इन्फ्लुएंजा वायरस से बताती है और इन्फ्लुएंजा वायरस के जितने भाई बहन, जितने भी वायरल डिजीज है, सबसे आपको प्रोटेक्ट करती है। होम्योपैथी में ये दवा है, 1 mg की 5 बूंद, दिन में एक, महीने में एक, दिन में एक बार लें, फिर 10 मिनट के बाद दोबारा लें, इसी तरह महीने में एक बार लें या दो बार भी आप ले सकते हो। दोस्तों अगर जिस समय कोरोना पीक पे हो या ज़्यादा फैल गया हो, तब आप आर्सेनिक एल्बम 30 की 5 बूंद सुबह शाम लेना चालू कर दीजिए। हर 15 दिन लीजिए, फिर 2-4 दिन छोड़ के फिर 15 दिन लीजिए। दोस्तों विटामिन सी की चीज़ें खाते रहिए, टहलते रहिए। दोस्तों टहलने से बहुत फ़ायदा है, स्ट्रेस फ्री आप हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें करते रहिए, आप अपने इम्यून सिस्टम को, कहने का मतलब है, बूस्ट करे रहिए। कोरोना आपके पास आएगा ज़रूर, लेकिन आपको छुएगा नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा आया गया, आपको क्या हुआ। थोड़ा सर्दी जुकाम सा होगा, कोई आपको एडमिशन की ज़रूरत नहीं, कोई जांच की ज़रूरत नहीं, कुछ पता ही नहीं चलेगा आपको। जो लोग बीपी, शुगर, थायराइड है, जो लोग पहले किडनी के पेशेंट हैं, जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस में ले रहे हैं, जो ओबेसिटी के शिकार हैं, जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, कोरोना उनके लिए खतरनाक है, ना कि एक हेल्दी पर्सन के लिए। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं।